नमस्कार, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं विंद भारत। ऑटो में क्षमता से ज्यादा सवारी ऑटो वाले कर रहे बच्चों की जान से खिलवाड़। हादसे का इंतजार है प्रशासन को। ऑटो में भूसे की तरह भर कर ढोया जा रहा स्कूली बच्चों को। स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा। 3 सीटर ऑटो में आधा दर्जन से अधिक बच्चे बैठा लिए जाते हैं। ना बैग रखने की जगह होती, ना पकड़ने के लिए रॉड। जरा सा झटका लगे तो बच्चे नीचे गिर सकते हैं। स्कूल आते जाते हर दिन हादसे का डर बना रहता है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को लेकर ना तो प्रशासन संवेदनशील है, ना बच्चों के परिजन। चंद रुपए बचाने के चक्कर में अभिभावक वाहन चालक से सवाल जवाब करना तक उचित नहीं समझते। यही वजह है कि स्कूल बस हो या फिर ऑटो, सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रीवा शहर के भीतर 50 से ज्यादा स्कूल है, वहां बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था 3 सीटर ऑटो पर छोड़ दी गई है। इनमें सुरक्षा इंतजाम ना के बराबर होते हैं। 3 सीटर ऑटो में 10 से 12 बच्चे बैठाए जाते हैं। कुछ बच्चों को ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ज्यादातर ऑटो में दरवाजा तक नहीं है। यदि किसी बच्चे का संतुलन बिगड़ जाए या फिर उसका हाथ छूट जाए तो वह हादसे का शिकार बन जाएगा। हम आपको बता दें, स्कूली बच्चों के लिए बच्चों को ले जाने वाले ऑटो पीले रंग के होने चाहिए। उनके पास परमिट होना चाहिए। परमिट के अनुरूप उनको ऑटो में बच्चे बैठाना चाहिए। दाएं तरफ का दरवाजा स्थायी रूप से बंद होना चाहिए। बाएं तरफ खुलने वाला दरवाजा होना चाहिए जिससे बच्चे उतर सके। ऑटो में स्पीड गवर्नर होना चाहिए ताकि ऑटो निर्धारित गति से ही चले। चालकों का वेरिफिकेशन थाने से होना चाहिए। हम आपको बता दें, जब हमारी टीम ने रीवा शहर के अंदर का दौरा किया तो बड़ी संख्या में ऑटो में सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी देखी जा रही है। इनमें दोनों तरफ गेट खुले हुए हैं, उसे बंद नहीं कराया गया। स्पीड गवर्नर, फास्टेड बॉक्स सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। स्पीड गवर्नर के अभाव में अक्सर ऑटो छोटे छोटे बच्चों को बैठा कर काफी तेज गति से चलाते नजर आते हैं। इस बारे में हमने एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से बात की। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। आया है कि ऑटो वाले बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और 3 सीटर गाड़ी रहती है और उसमें 12 से 15 बच्चे बिठाए जाते हैं। इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? ये जो आप बता रहे हैं ये पुलिस के संज्ञान में भी आया है और देखने को भी उपलब्ध हो रहा है और समय समय पर इसमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन इस संबंध में एक इनर मीटिंग जो है सभी विभाग की हो गई है। चूँकि अभी चुनाव चल रहे थे, चुनाव की व्यवस्था के कारण जो है सड़क सुरक्षा समिति को आहूत किया जाना था और उसमें ये मुद्दा रख करके उनसे बात की जाना था। बात सब तय हो चुकी है, केवल मीटिंग आहूत करने की तिथि की आवश्यकता थी, वो भी एक आध दो दिन में हो जाएगी और इस बिंदुओं पे कार्रवाई होगी। हम पहले चरण में, जैसा हमारा पुलिस अधीक्षक महोदय ने तय किया है कि हम पहले उनको बुलाएंगे और एक बार समझाइश देंगे ऑटो संघ को और उनके सभी चालकों को, और उसके बाद यदि नहीं होगी तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने स्कूल के प्रिंसिपल को भी शामिल किया है ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें हो और वो भी इस तरह की स्थितियों से बचने का प्रयास करें और अपने स्तर पे उनको निर्देश जारी करें। सर, देखने को आया है कि जो ऑटो और सवारी ऑटो में कोई भी अंतर नहीं होता है स्कूल ऑटो में, तो वो आरटीओ द्वारा कुछ निश्चित किए गए हैं जो मापदंड और जो कलर प्रदर्शित करने के लिए उनको निर्देशित हैं। यदि उन पे भी ये कार्रवाई नहीं होगी, अगर वो इसमें चूक करेंगे तो ये विषय भी उसमें रखा गया है मीटिंग में और इस विषय पे भी उनको पाबंद किया जाएगा और जो लोग इसको लापरवाही करेंगे या इसमें चूक करेंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे।